आचना अच्छा बढ़िया, नहीं बढ़िया तुम्हारा, तुम्हारा बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज मेरे पास बिग बॉस की न्यूज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस वाला ने बोला था कि हम पैसा बना रहे हैं, बिग बॉस वाले पैसा बना रहे हैं पैसा देख के। ये हरामी ज्ञानी हमें देख के पैसा कैसे बनाएगा? सालों ने बोला था 24/7 लाइव चलेगा, आज वीकेंड का बार है, मैं कल लाइव देखने को मिला सलमान खान, सालों ने लाइव ही बंद कर दिया है? अब मैं क्या करूं बैठ के? रात भर मैं देख रहा था म्यूट करके, तब तक ठीक था, सुबह उठ के देखता हूँ अनसीन अनदेखा, मैं कहा सब देखा हुआ है, मेरे अंदर तक चकमा निकला हुआ है यार। मालूम है तेरे बाप को, मैं सिखा चल। मैं कहा उनको दिखाना जो 24/7 नहीं देखते, मैं देख रहा हूँ, तू मुझे वही दिखाना जो मैं देखना चाहता हूँ। साले फुद्दू गाड़ गए, अब रात में 9 बजे जो तुम देखोगे मैं भी वही देखूंगा, मुझे भी नहीं मालूम क्या हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला क्या सोचा था, अच्छा खासा निकाल लूंगा, 1 महीना तो आराम से चला जाएगा इसके साथ। अब बैठ के मैं ये सोचूं कि आज की वीडियो में क्या करूं, बट ना बिग बॉस धोखा दे सकता है, बिग बॉस वासी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें पता हम लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं, फुकरा इंसान को। तो अभी फुकरा इंसान के भाई ट्रिगर्ड इंसान ने बिग बॉस के ऊपर वीडियो बनाई है, जहां पे उसने एड्रेस किया है जब फुकरा इंसान को वो जो था ना वो टट्टी जर्नलिस्ट, उसने कहा था नकली हवा है, तो उस पे उसका क्या रिएक्शन है देख लो, देख लेंगे। आपके अंदर आप सवाल सुनेंगे, लाइन मत पार कीजिए। देखो आई एग्री, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर तुमसे कुछ पूछ रहा होता है, कोई अपनी बात कर रहा होता है, तो तुम उनको बीच में नहीं काटते, तुम वेट करते हो कि वो अपना क्वेश्चन या फिर अपनी बात कंप्लीट करे, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो। तो हाँ, अंकल जी यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो, बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखा है? हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंडी, कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? बस इतना ही है बिग बॉस से रिलेटेड, और कुछ नहीं है मेरे पास। अरे मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, अभी हो गया रहा है यार, मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ उस चीज़ पे कि मेरे को देखना ही देखना है। अरे मैं मूवी छोड़ के देखता हूँ बिग बॉस यार, सिर्फ वो क्राइम इंसान के लिए, उसको निकाल दो मैं छोड़ दूंगा देखना, सच बता रहा हूँ मैं। साला मेरे को देखना तो कौन जाएगा, और वो भी कल पता चलेगा, क्योंकि आज तो निकालेंगे नहीं है, आज निकालेंगे क्या तुम्हें पता, निकालते नहीं निकालते? अरे मैं देखता नहीं हूँ यार बिग बॉस, ये तो पहला है जो मैं रेगुलर देख रहा हूँ। रेगुलर क्या 24 देख रहा हूँ, पता है मेरे को, मैं मजाक नहीं कर रहा, सुबह उठ के मेरे को पता चला कि ये नहीं दिखाने वाले हैं, पहले मुझे लगा ऐसे ही थोड़ा ब्रेक टाइप का दिखा रहे हैं, फिर मैं दोबारा देखा फिर भी वही दिखा रहे थे, मैं कहा हो गया ये आज नहीं दिखाने वाले, फिर मुझे गिल्टी फील हुआ। क्यों? क्योंकि रात को मैंने म्यूट करके अपना इन्फिनिटी लगा दिया था, इन्फिनिटी वॉर, मैं कहा यार इसकी सजा, इतनी बड़ी सजा तो मत दो यार मुझे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब बिग बॉस से रिलेटेड न्यूज तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, बाकी दुनिया की तरफ रुख करेंगे हम। हाँ तो फुकरा इंसानी मनुवर तुम समझ रहे हो, मैं स्टैमर कर रहा हूँ, आदत हो गई है यार रेगुलर बात करने की, तो उस पर मैं श्योर रहता हूँ कि क्या बोल रहा है कब बोल रहा है, अभी बाकी स्विच तक नहीं हो रहा मुझसे, गंदी आदत है। हाँ तो बात करेंगे मुनव्वर फारूकी की, क्यों वो कि अभी उसका ना एक पॉडकास्ट आया, अरे वो नहीं अपना बीयर बाइसेप, उसी का पॉडकास्ट था, तो उस पर उससे उसके जेल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। साले मेरे को समझ नहीं आता, जो बंदे जेल जाते हैं और वो भी फेमस, मतलब यूट्यूब पर्सनैलिटीज, उनसे हमेशा यही सवाल क्यों पूछते हैं कि तेरे को जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? भाई वेकेशन पे थोड़ी गया है, जेल है, एंजॉय थोड़ी करेगा। बट ठीक है, अभी मैं वो देख रहा था थगेश शो, तो उसमें वसीम से भी यही पूछ रहे थे कैसा था एक्सपीरियंस, अबे यार तू क्या करेगा जान के, चला जाना। हाँ तो उसमें मुनव्वर फारूकी का कहना था ये, पहली बात मैं जब अंदर जा रहा था ना, वो मोमेंट आई टेल यू, हम बोलते हैं कि लाइक इंसान जब मेंटली डिस्टर्ब होता है या इंसान जब अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको पता नहीं है क्या करना होता है, तो हम सिर्फ वो देखते हैं चीज़ें, हम कभी महसूस नहीं कर पाते। मैंने वो चीज़ पहली बार महसूस करी कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, आई एम इन दैट जोन कि थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग एंड मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा एक चीज़ पे, ताकि मैं सोचूं कि क्या हो रहा है, वो जंप हो रहा है मेरा थॉट अब क्या होगा, उस पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तीनों चीज़ों पर हर एक सेकंड पर जंप हो रहा है, मैं सुकून से बैठ के सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, एंड जो भी हो रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और वो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरे पेट से आवाज़ें आ रही है, मेरा हार्ट बीट फास्ट है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, डर लग रहा है, सब चीजें, सारी चीजें, कि मैं वही बोल रहा हूँ कि सारी चीजें जब आपके हाथ कांप रहे तो यू कैन फोकस ना कि मेरा हाथ कांप रहा है, बट आपका हाथ कांप रहा है, बट आपको चक्कर भी आ रहे हैं, तो आपको वो समझ में आ रहा है कि आपका हाथ कांप रहा है, बट आपको फिक्र नहीं है कि हाथ क्यों कांप रहा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी चक्कर आ रहे हैं और हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, तो आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो, तो ये सारे मूवमेंट पे ये सारी चीजें फील होती है। एग्जैक्ट। हाँ, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है बंटाए मेरा भाई,
अरे पता नहीं ये क्या, मैं न्यूज़ की बात दूँ इसमें? अरे बंटाए का फोटो लग गया, मतलब वो जो एल्बम आई है ना कॉच, तो उसके यहाँ स्क्वायर गार्डन, टाइम स्क्वायर गार्डन में फोटो लग गया, बस यही है, इतना ही बताना था साला। कल मैंने, मेरे पास था, मेरे को मालूम है ये चीज़, साला मैंने कल बताया नहीं, भाई बताओ ना। अरे क्या इसमें क्या बताऊँ, फोटो ही तो है यार। अब ठीक है न्यूयॉर्क में लगा, बस पहली बार थोड़ी है ये, इतना क्या खुश हो जाते हो यार, तो मेरा भी लगा लो ये, मेरी फोटो ले जाओ यार, हटा दो वहां से भी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कहीं से भी हटा दो, बस दिल में बसाए रखना। ओहो डायलॉग मार गया मैं, कुछ भी। हाँ इसके अलावा बादशाह को काफी गालियां पड़ रही हैं, पता नहीं क्यों। अरे कुछ नहीं, वो आया था ना ब्लड डैडी, तो उसमें उसने कोई हिप हॉप ट्रैक दिया था, मतलब कमर्शियल ट्रैक था, तो उसमें BTS बीबर पता नहीं क्या बोल दिया, बीबा बोल दिया था उसने, उस पर BTS आर्मी ऑफेंड हो गई। BTS आर्मी, खुद्दू साले निब्बा निब्बी बोला करो ना अपने आप को, आर्मी बनेंगे, गन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो साले दिवाली में वो नहीं हो गया पटाखे वाली गन, वो वाली भी नहीं है तुम्हारे पास, आर्मी चल वे। तो उस पर अभी उसने स्टेटमेंट रिलीज करी, और क्या करी मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट उनको आ गया, ठीक है ठीक है, हम समझ गए। अरे क्या मीनिंग है इसका, ये मुझे तो समझाओ, मेरे को तो ड्रामा पहली जगह पे समझ में नहीं आ रहा। बात तो सही है। इसके अलावा उर्फी जावेद गुस्सा हो गई किस पे? शक्तिमान पे क्यों? अरे शक्तिमान ने ना, मुकेश खन्ना जो है, उन्होंने रिएक्ट किया था आदि पुरुष के रिव्यू पे, मतलब मूवी पे, कि जो मेकर्स हैं उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। भीष्म पितामह रोल प्ले किया है इन्होंने, चार जनरेशन खा गई है और ये लोगों को जिंदा जला रहे हैं, बताओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो उसमें उर्फी जावेद रिएक्ट कर रही है कि ये बंदा सनक गया, ये खो गया, ये पागल हो गया, मैं जानती हूँ ये मूवी थोड़ी सी बुरी है। मैं कहा बाकी स्टेटमेंट बाद में, मैं कहा ये मूवी इतनी बुरी है कि मैं आधे पार्ट के बाद गया भी नहीं हूँ ना, पड़ी हुई है, नहीं देख रहा मैं। साला उससे अच्छा मैं ओरिजिनल रामायण दिखाया हूँ, तू रैंड दे भाई, रैंड दे, थोड़ी बुरी है, CLWL है। अब स्टेटमेंट पे कि माना थोड़ी बुरी है बट किसी को जलाना मत, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि शक्तिमान को जेल डाल दो, ऐसे लोगों की भावना को उत्साहित करने के लिए, पता नहीं जो भी होता है प्रोवोकिंग का मीनिंग, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। अरे उर्फी जावेद है यार, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा, जेन्युइनली मेरा कोई ओपिनियन नहीं, ओपिनियन है बट मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। दोनों कंट्रोवर्शियल लोग हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी मार रहे हैं, मैं क्या स्वाद, मैं बैठ के एंजॉय करेगा, पॉपकॉर्न ले आओ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा फुद्दू न्यूज में मेरे पास डोसा, नहीं फुद्दू डोसा नहीं है, डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है जेन्युइनली, बट आजकल की जनरेशन और जो लोग हैं ना वो सटिया गए, अब डोसा है तो रहन लो, मसाला डोसा बनाओ, पनीर डोसा बनाओ, वो सब ठीक है, साला चॉकलेट डोसा कौन बनाता है? नहीं वहाँ पे भी नहीं रुक गई है, ये कदम आगे है, अब इन्होंने बनाया है कोन डोसा, जहाँ पे डोसे को कोन बनाते हैं फिर उसमें आइसक्रीम भर देते हैं चॉकलेट। मैं जहर खरीद के लाता हूँ, तुम अपना देख लो, ठीक है, लाइक कर देना, पीस आउट।